टॉपिक मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या बेनिफिट है, उसका मतलब क्या होता है, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, ध्यान से क्या फायदे हैं, उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, वो मैं आपसे बात करूँगी। ध्यान से क्या बेनिफिट है, हम लोग को ध्यान से क्या बेनिफिट हो सकता है, आगे उस विषय में बात करूंगी। मैं उसी टॉपिक पर एक स्टोरी लाई हूँ आप सभी के लिए, जिसको सुनने से आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मेडिटेशन हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, बेनिफिट क्या देते हैं मेडिटेशन। गांव में एक लड़का था जो कि मेडिटेशन किया करता था और दूसरों को भी सलाह दिया करता था कि आप कीजिए, इसको सीखिए कि मेडिटेशन करने से क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं, और हर कोई को अच्छा सलाह उसके बारे में देते रहता था जिससे कि सभी करें। तो उससे उसको ये लगता था कि गांव में भी सभी आदमी मेडिटेशन करेंगे तो बेनिफिट सभी को होगा मेरे साथ साथ, और गांव वाले भी उससे बहुत काफी खुश रहा करते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये बंदे में क्वालिटी है, सबसे हट के इसके पास नॉलेज है, मेडिटेशन के बारे में अच्छी नॉलेज है इसको, इससे हम लोग को सीख सकते हैं ऐसा, और इसका माइंड जो है एकाग्रचित रहता है, ये जो उन सभी के मन में बैठ चुका था। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो मेडिटेशन करने के लिए जंगल में जाता है और जंगल में जाके बैठ जाता है और बैठ के ध्यान मग्न होता है, वो अपनी गर्दन सीधी कर लेता है और स्ट्रेट बैठ जाता है, सीना स्ट्रेट कर लेता है, फिर वो ध्यान में लग जाता है। उसी समय एक लड़की उधर से बहुत हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते वहां से आ रही थी, तो वो जो मेडिटेशन करते रहता है वो बंदा को फील हो जाता है कि कोई आ रही है, किसी का आने का आहट है। वो नजदीक आ रही थी तो वो गुनगुनाहट की आवाज उसके कानों तक जा रही थी, फिर भी वो अपने मेडिटेशन अब नहीं छोड़ा और बीच में उसको छोड़ नहीं सकता था क्योंकि अगर वो छोड़ देता तो वो उसका जो है वो ध्यान टूट जाता, वो एकाग्रचित नहीं रह पाता। वो लड़की इतना मन मस्त हो जाती है, इतना खुशी में रहती है, उस लड़का को ये पता चल जाता है कि मेरे बगल से वो लड़की क्रॉस की है। फिर उसके बाद जब उसका ध्यान कंप्लीट होता है फिर वो उठता है और बोलता है, क्या आपको ये दिखा नहीं कि मैं ध्यान में था, मैं मेडिटेशन में था, आपको पता नहीं चला कि मैं बैठा हुआ था ध्यान मग्न था। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे ये पता नहीं था कि इस जंगल में आप भी मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं, और ना तो ये चीज अनुभव लड़के को भी था कि कोई आ सकता है। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तो यहाँ पे इतना एक्साइटेड थी, मैं इतना खुश थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि आप बैठे भी थे, क्योंकि मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई थी, मुझे प्रेमी ने मुझे बुलाया था, उस खुशी में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पर मैं एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप अगर मेडिटेशन में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, तो आपको तो पता चलना ही नहीं चाहिए कि आपके बगल से कौन गया, ये तो आपको पता ही नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ध्यान में सही तरीके से नहीं थे, मेडिटेशन सही तरीके से आप नहीं कर रहे थे। वो लड़की बोलती है कि आप अगर बोल रहे हैं कि मैं आपके बगल से क्रॉस कर गई बिना देखे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। फिर उसके बाद वो लड़का फिर अपने गांव चला जाता है। जब अर्जुन को गुरु बोले कि सामने क्या दिख रहा है, तो अर्जुन क्या बोले थे, अर्जुन यही बोले थे कि गुरुजी मुझे आंख दिख रहा है। वो बार बार पूछते हैं कि क्या दिख रहा है, तो वो बोलते हैं कि आंख दिख रहा है गुरुजी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप अगर अच्छे काम कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई वर्क कर रहे हो, तो उस समय अगर कोई आपका निगेटिव कुछ भी हो रहा है आपके बगल में, या कोई निगेटिव बात बोल के निकल जा रहा है, कोई निगेटिव वर्ड बोल के निकल जा रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे आप अपना कैरियर नहीं बना सकते हैं, आपको कैरियर बनाना है तो आपको ध्यान मग्न रहना पड़ेगा, ना कि किसी की बातों को सुनना, कौन क्या कह के गया, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो
मेरे हिसाब से हर इंसान को मेडिटेशन करनी चाहिए, उससे बहुत फायदे हैं, बहुत बेनिफिट है।